कांग्रेस ने तेलंगाना आंदोलन में बलिदान देने वालों के परिवार को पेंशन देने का वादा किया था। कभी भी वो वादा पूरा किया क्या? कांग्रेस ने 250 स्क्वायर यार्ड जमीन देने के लिए कहा था, आप बताइए जमीन मिली क्या? कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपीज देने का वादा किया था, आज तक यहां की महिला इसका इंतजार कर रही है। यहां तेलंगाना में पावर कट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। ऐसी विश्वासघाती कांग्रेस क्या आपका भला कर सकती है? कांग्रेस झूठ की कितनी बड़ी मास्टर है, तेलंगाना से बेहतर कौन जानेगा? मैं आपसे पूछता हूं, कांग्रेस ने अपनी सबसे बड़ी नेता के जन्मदिन से पहले किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया था, इन्होंने झूठ बोला कि नहीं बोला? अब ये लोग 15 अगस्त तक अपने वादे टाल रहे हैं, क्या कि लोकसभा का चुनाव खत्म हो जाए फिर वो हाथ ऊपर कर दे? क्या ये आपसे धोखा नहीं है? आपकी भावनाओं का अपमान नहीं है? ये लोग वेमुलावाड़ा के भगवान राजन्ना की सौगंध खा रहे थे, और ये तो सनातन को गाली देने वाले लोग हैं। सनातन को गाली देने वालों की सौगंध, इसका कोई भरोसा कर सकता है क्या? मित्रों,